नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिम्स में एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूजियो अल्टेरियस के बारे में, और साथ ही साथ हम इसमें जानेंगे इसकी मीनिंग के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि ये मैक्सिम कब अप्लाई होता है और कब अप्लाई नहीं होता, और लास्ट में हम देखेंगे कुछ केस लॉज। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लॉ गुरु। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूजो अंटेरियस की मीनिंग से। तो ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है व्हेन वन और मोर थिंग्स ऑफ अ क्लास आर एक्सप्रेसली मेंशन, अदर्स ऑफ द सेम क्लास आर एक्सक्लूडेड। यानी कि दोस्तों, अगर किसी स्टेट्यूट या किसी इनेक्टेड लॉ में कोई स्पेसिफिक क्लास या ग्रुप ऑफ क्लास एक्सप्रेसली मेंशन की गई है, तो वो इनेक्टेड लॉ जो है उसी स्पेसिफिक थिंग्स पे अप्लाई होगा। उन थिंग्स के अलावा जितनी भी चीज़ें छूटी गई हैं या एक्सक्लूड करी गई है, छोड़ी गई हैं, उन पर वो इनेक्टेड लॉ या स्टेट्यूट अप्लाई नहीं होगा। इस मैक्सिम का मतलब ये है। आइए इस मैक्सिम को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। इफ़ ए स्टेट्यूट रेफर्स बस एंड ट्रक्स, इट ओनली रेफर्स टू बस एंड ट्रक्स एंड विल नॉट इंक्लूड कार और एनी अदर ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि अगर कोई स्टेट्यूट या इनेक्टेड लॉ रेफ़र करता है या उसमें स्पेसिफिक बस और ट्रक को रेफ़र किया जाता है, तो वो पर्टिकुलर लॉ जो है वो स्पेसिफिक बस और ट्रक पे ही एप्लीकेबल होगा, उसमें कार या अदर जो ट्रांसपोर्टेशन आइटम्स हैं इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उस इनेक्टेड लॉ में बस और ट्रक जो है स्पेसिफिकली रेफ़र किए गए हैं। तो इन दोनों आइटम्स के अलावा, यानी कि बस और ट्रक्स के अलावा, कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उस इनेक्टेड लॉ में रेफ़र नहीं होगा और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम। आइए जानते हैं इस मैक्सिम के बारे में कुछ और बातें। मेंशन ऑफ वन और मोर स्पेसिफिक थिंग्स मे बी टेकन टू एक्सक्लूड अदर सेम थिंग्स। यानी कि किसी स्पेसिफिक थिंग को मेंशन करना अदर सेम थिंग्स को एक्सक्लूड कर देता है। यानी कि अगर किसी लॉ ने, किसी इनेक्टेड लॉ ने कुछ स्पेसिफिक थिंग्स को मेंशन कर रखा है, तो उससे मिलती जुलती अदर चीज़ें जो इस लॉ में स्पेसिफिक नहीं की गई हैं, वो इस लॉ के हिसाब से एक्सक्लूड कर दी जाएगी, छोड़ दी जाएगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो बताता है कि इस रूल का इफ़ेक्ट कब होगा। तो अगर किसी लिस्ट में जनरल वर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया है, सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड्स को फॉलो किया गया है, तो द एक्ट ओनली अप्लाइज टू द वर्ड्स यूज्ड इन द लिस्ट। तो ये जो एक्ट है वो सिर्फ अप्लाई होगा उन वर्ड्स पर जो उस लिस्ट में यूज़ किए गए हैं, अदर वर्ड्स पर नहीं। अब बात करते हैं कि ये मैक्सिम कब अप्लाई होगा। तो दिस मैक्सिम विल बी अप्लाइड वेयर स्पेसिफिक वर्ड्स आर बीइंग मेंशन्ड इन एनी स्टेट्यूट और इनेक्टमेंट। यानी कि जब किसी स्टेट्यूट या इनेक्टमेंट में स्पेसिफिक वर्ड मेंशन किए जाएंगे, तब ये मैक्सिम जो है अप्लाई होगा। यानी कि ये मैक्सिम वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पर किसी स्टेट्यूट या किसी इनेक्टेड लॉ में सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड्स या किसी स्पेसिफिक क्लास को मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं कि ये मैक्सिम कहाँ अप्लाई नहीं होगा। सो दिस मैक्सिम विल नॉट बी अप्लाइड वेयर जनरल वर्ड्स आर मेंशन अलोंग विद स्पेसिफिक वर्ड्स, एग्जांपल एटसेट्रा, अदर्स और एनी अदर जनरल वर्ड्स। यानी कि ये मैक्सिम वहाँ अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर जनरल वर्ड्स जो हैं स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ यूज़ कर रखे हैं, और जनरल वर्ड्स कैसे, एटसेट्रा, अदर्स या कोई और जनरल वर्ड्स। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कितनी बार लिस्ट में यूज़ किया जाता है, बस, ट्रक और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, या बस, ट्रक, एटसेट्रा, तो वहाँ पर ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होगा। लास्ट में हम बात करेंगे केस लॉ की। तो एक केस आया था आरवी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट। इस केस में इट वॉज हेल्ड बाई द कोर्ट टू एक्सक्लूड द फादर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड फ्रॉम द राइट्स अंडर इमिग्रेशन लॉ एट द टाइम बिकॉज द डेफिनेशन सेक्शन स्पेसिफिकली मैंशन द मदर अलोन। यानी कि इस केस में कोर्ट ने बताया कि किसी भी इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के राइट्स किसी भी फादर पर नहीं आएंगे, फादर को एक्सक्लूड करा गया था, क्योंकि इमिग्रेशन लॉ के हिसाब से उसकी डेफिनेशन सेक्शन में स्पेसिफिकली मदर को ही मेंशन किया गया था इलेजिटिमेट चाइल्ड के
राइट्स को होल्ड करने के लिए, वहाँ पर फादर को मेंशन नहीं किया गया था। तो इस केस में कोर्ट ने एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूजो अल्टेरियस मैक्सिम को यूज़ करते हुए बताया कि मदर को ही मेंशन करे जाने का मतलब है कि फादर इस डेफिनेशन या इस एक्ट के हिसाब से एक्सक्लूड करे जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं, इसलिए इलेजिटिमेट चाइल्ड का राइट फादर को नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, इस वीडियो के नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि कि आपको पढ़ने में और भी आसानी हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और मैगजीन के बारे में। तब तक हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, हमारी वीडियोज़ पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगी। हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।